एक चोर पैसों से भरा बैग लेकर अपनी मोटरसाइकिल से भाग रहा था। पुलिस उस चोर का पीछा कर रही थी, लेकिन ट्रैफिक जाम होने की वजह से पुलिस की गाड़ी फंस जाती है और ट्रैफिक से निकलने के बाद पुलिस एक चौक पर पहुंच जाती है और वहां पर खड़े ट्रैफिक पुलिस वाले से पूछताछ करती है, क्या तुमने किसी मोटरसाइकिल वाले को यहां से जाते हुए देखा क्या? ट्रैफिक पुलिस वाला कहता है कि नहीं, मैंने किसी भी मोटरसाइकिल वाले को यहां से जाते हुए नहीं देखा। पुलिस सोच में पड़ जाती है कि चोर भागा तो इसी रास्ते से है, फिर ट्रैफिक पुलिस वाले को क्यों नहीं दिखा? तभी पुलिस वहां के सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, मगर उसमें भी उन्हें कोई मोटरसाइकिल वाला नहीं दिखता। लेकिन पुलिस थोड़ा सोचती है और तुरंत समझ जाती है कि ट्रैफिक पुलिस वाले को वो क्यों नहीं दिखा। दोस्तों, क्या आप इन चारों फुटेज को देखकर बता सकते हो क्या कि पुलिस को कैसे पता चला और कौन से फुटेज से पता चला? तो ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। पुलिस को इस वाली फुटेज से शक हुआ कि बाइक वाला ट्रक के अंदर चला गया होगा और वो ट्रक चौक से क्रॉस हुआ था, इसलिए ट्रैफिक पुलिस को वो बाइक वाला नहीं दिखा। पुलिस तुरंत ट्रक का नंबर देखती है और उस बाइक वाले को पकड़ लेती है। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों, पजल नंबर 2 आज बहुत ही हटके होने वाली है, तो इसे जरा ध्यान से देखिएगा। आपके सामने एक बहुत ही सिंपल मैथ इक्वेशन आई है, तो इसे जरा ध्यान से देखिए और थोड़ा लॉजिक लगाइए और इस पजल का सही जवाब दीजिए। तो चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। इसमें तो आपको अपना थोड़ा सा मैथ वाला दिमाग लगाने का था। इसका सही जवाब हो जाएगा 11। तो देखिए, 10 प्लस 10 गुणीले 0 तो वो हो जाएगा 0, और गुणीले 10 तो वो भी हो जाएगा 0, और बाद में प्लस 1 है तो वो 10 प्लस 1 बराबर 11 हो जाएंगे। दोस्तों, क्या आपने ये सही गेस किया था क्या? तो चलिए जल्दी से अब हमें बताइए कि इस पिक्चर से किस लड़की का नाम बनेगा। तो ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। उस लड़की का नाम बनेगा स्वीटी। देखिए, सबसे पहले है स्वीट और बाद में है टी, तो दोनों मिलाकर हो गया ना स्वीटी। दोस्तों, आपको पजल पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। प्रिया के पति की डेथ हो जाती है, तो वो तुरंत पुलिस को कॉल करके बुला लेती है। पुलिस प्रिया से पूरे दिन भर की डिटेल्स लेती है, तो वो बताती है
कि मैं मेरे पति से बहुत परेशान थी। वो पूरा दिन बस खाते ही रहते थे। मैंने आज से उन्हें डाइट प्लान पर रखने का सोचा और उन्हें खाना नहीं दिया, सिर्फ एप्पल्स दिए और ऑफिस चली गई। जब शाम को वापस आई तो देखा कि मेरे पति की डेथ हो गई है और एप्पल्स वैसे के वैसे रखे हुए हैं। पुलिस मेड से पूछताछ करती है तो वो बताती है कि उसे गार्डनर पर शक है। उसकी नजर हमेशा साहब के पैसों पर रहती थी, शायद उसी ने ही साहब को मारा होगा। गार्डनर कहता है कि आज तो वो प्रिया मैडम के घर आया ही नहीं, तो मुझे कुछ नहीं पता। पुलिस तीनों की बातें ध्यान से सुनती है और क्राइम सीन को अच्छे से देखती है और तुरंत समझ जाती है कि यह एक मर्डर है और किसने किया है। लेकिन कैसे, पुलिस को कैसे पता चला? दोस्तों, क्या आप सोच कर बता सकते हो क्या? तो ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। अगर आपको लगता है कि खून किसी एक ने किया है तो आप गलत है। वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से सोचिए। देखिए, खून मेड और प्रिया ने मिलकर किया है। एप्पल अगर सुबह से कटे हुए थे तो शाम तक तो वो खराब हो जाने चाहिए थे। दूसरी बात, प्रिया और मेड को ऐसा क्यों लगा कि वो एक मर्डर है? प्रिया के हस्बैंड का वेट ज्यादा था तो हो सकता है कि डेथ किसी और रीजन से हुई हो। इन दोनों बातों से पुलिस तुरंत समझ जाती है कि प्रिया और मेड ने मिलके उसे मारा है। पुलिस उन दोनों को तुरंत पकड़ लेती है। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था तो उसका सही जवाब है मुंबई इंडियंस। इस सवाल का जवाब आप में से सभी लोगों ने सही दिया है। तो उनमें से उन 5 लकी विनर के नाम ये रहे: पीयूष तोमर, मनोज सिंह, संतोष श्रीवास्तव, हाफिज खान, यशी एंड त्रिशा शो। दोस्तों, आप 5 को मनोरंजन मसाला की ओर से बहुत बहुत बधाई हो। तो भाई, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा: 10 किलोमीटर यानी कितने मीटर? तो फिर देरी कैसी, जल्दी से कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों, आपके सामने एक पिक्चर आई है तो आपको बताना है कि इस पिक्चर से किस लड़के का नाम बनता है। तो भाई जरा अच्छे से देखिए, क्योंकि इस अटपटे लड़के का नाम गेस करना इतना भी आसान नहीं है। तो चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। उस अटपटे लड़के का नाम है जगेश। देखिए भाई, सबसे पहले है पृथ्वी, जिसे हम जग कहते हैं, और बाद में है सिलेंडर, और सिलेंडर में गैस होती है, तो दोनों मिलाकर हो गया ना जगेश। दोस्तों, इस अटपटे लड़के का नाम किस किसने सही गैस किया था तो वह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने इनमें से कितने पजल के सही जवाब दिए थे तो वह हमें कमेंट करके
जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसी ही नई नई पजल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।